दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम। दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाने की कोशिश की है लेकिन वो वीडियोस मैं पूरी नहीं कर पाया। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने, हजारों व्यूअर्स ने मैसेज करके और कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर कुबला खान का पार्ट थ्री, कुबला खान का पार्ट थ्री। आप कोई टॉपिक शुरू तो करते हो लेकिन उसको पूरा नहीं करते। 11 महीनों पहले मैंने कुबला खान का पार्ट टू डाला था, उसके बाद में पार्ट थ्री नहीं डाला। दोस्तों जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तब तक मैं नहीं बनाता। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुबला खान का पार्ट थ्री नहीं, पूरी कुबला खान पोएम ढंग से समझानी चाहिए इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का एक फ़ायदा भी आपको मिलेगा क्योंकि पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड की थी 11 महीनों पहले उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब थी, लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इन जनाडू, जनाडू नाम की जगह पर डेड कुबला खान, कुबला खान ने अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। अ स्टेटली प्लेजर डोम का मतलब है एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत महल कुबला खान ने डिक्री बनाने का ऑर्डर दिया है। डिक्री का मतलब है ऑर्डर देना। वेयर एल्फ, जहां एल्फ नाम की अ सैक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी रैन बहती है, जहां एल्फ नाम की एक सैक्रेड रिवर बहती है। थ्रू कैवन्स, गुफाओं से होती हुई, कैवन्स का मतलब गुफाएं। मेजरलेस टू मैन, जो इंसान की पहुंच से बाहर है। डाउन टू अ सनलेस सी, और वो नदी, वो सैक्रेड रिवर एल्फ जाकर एक सनलेस सी में गिरती है, एक ऐसा समुद्र जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती। सो ट्वाइस 5 miles ऑफ फर्टाइल ग्राउंड, तो वहां पर एक फर्टाइल ग्राउंड है, एक उपजाऊ ज़मीन है जो कि 10 mil की है। सो ट्वाइस 5 miles का मतलब 5 mil का डबल, यानी कि 10 mil फैली हुई एक उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर। विथ वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल राउंड, जो कि अपने चारों तरफ से वॉल्स और टावर्स, दीवारों और टावरों से घिरी हुई है। गर्डल राउंड का मतलब घिरी हुई है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट, और उस उपजाऊ ज़मीन में गार्डन्स हैं ब्राइट से, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं। विथ सिन्यूस रिल्स, सिन्यूस रिल्स का मतलब नदियाँ, छोटे मोटे नाले जो होते हैं वो भी उस गार्डन में हैं। ब्लॉसम्ड मैनी अ इंसेंस बियरिंग ट्री, इस लाइन का मतलब है कि वहाँ पर कुछ खुशबूदार पेड़ भी फल फूल रहे हैं, मतलब ये उस फर्टाइल ग्राउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, कि उस फर्टाइल ग्राउंड में सुंदर गार्डन भी हैं, नदियाँ भी हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जो खुशबूदार हैं। इंसेंस बियरिंग का मतलब खुशबूदार पेड़, ब्लॉसम का मतलब फल फूल रहे हैं। एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशंट एज द हिल्स, और यहाँ पर कुछ जंगल वगैरह भी हैं जो पहाड़ों की तरह, पर्वतों की तरह, हिल्स की तरह पुराने हैं। एंशंट का मतलब पुराने हैं। अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, यानी कि वो जंगल जो हैं, वो पुराने जंगल, वो चारों तरफ से घेर कर ग्रीन घास को, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, यानी कि चारों तरफ तो जंगल हैं पुराने पुराने, बीच में ग्रीन घास है और उस घास पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। वो एंशंट फॉरेस्ट एनफोल्डिंग, यानी कि घेर रहे हैं उस सनी स्पॉट ऑफ ग्रीनरी को। बट ओ, अब यहाँ पर वापस एस्टी कॉलरेज सीन चेंज करते हैं और बोलते हैं कि लेकिन अरे, दैट डीप रोमांटिक कैज़म विच स्लांटेड, अब वो वापस हमको नदी के पास लेकर आए हैं और बोल रहे हैं कि ये जो डीप रोमांटिक चैज़म जो है, चैज़म का मतलब एक खाई, एक दर्रा जो कि स्लांटेड है, यानी कि कटा हुआ है, तिरछा कटा हुआ है। स्लांटेड का मतलब होता है तिरछा कटा हुआ होना, पानी के बहने की वजह से वो तिरछा कट गया है। तो इस लाइन का मतलब है कि वो डीप खूबसूरत दर्रा जो कि तिरछा कटा हुआ है। डाउन द ग्रीन हिल एथवार्ट अ सीडन कवर, और उस डाउन ग्रीन हिल, यानी कि उस हरी भरी पहाड़ी पर, आर पार, पहाड़ी के आर पार, एथवार्ट का मतलब होता है दोस्तों आर पार, सीडन ट्रीज लगे हुए हैं, सीडन ट्रीज ने उनको कवर करके रखा है। सीडन ट्रीज कुछ इस टाइप के होते हैं। अ सैवेज प्लेस, यानी कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। एज होली एंड एनचांटेड, ऐसा लगता है कि इस होली प्लेस ने
मुझ पर जादू कर दिया हो। एनचार्टेड का मतलब है दोस्तों जादू कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना किसी को। अब इन दोनों लाइनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एज एवर बीनीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वूमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर। इन दो लाइनों का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई वूमेन, कोई औरत अपने डीमन लवर के लिए वेनिंग मून के नीचे यानी कि घटते हुए चांद के नीचे रो रही हो। डीमन लवर का मतलब है बेवफा आशिक के लिए रो रही हो। ये कितना हॉन्टेड सीन है। एंड फ्रॉम दिस कैज्म विथ सीजलेस टर्मोइल सीडिंग, और उस तिरछे कटे हुए दर्रे से, उस कैज्म से एक लगातार, सीजलेस मतलब लगातार आवाज़ करता हुआ पानी बाहर आ रहा है। टर्मोइल सीडिंग का मतलब आवाज़ करता हुआ पानी बाहर आ रहा है। एज इफ दिस अर्थ इज फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, ऐसे लग रहा है, इस लाइन का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये धरती जल्दी जल्दी हांफ रही हो। पैंट्स का मतलब है दोस्तों हांफ रही हो। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड, मतलब एक मोमेंट के लिए एक माइटी फाउंटेन वहां से पूरे फोर्स के साथ निकलता है, यानी कि पानी का एक फंवारा वहां से एक पूरे फोर्स के साथ वहां से निकलता है। अमिड हूज स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड ब्रस्ट, इस लाइन का मतलब है कि वो फंवारा पहले रुकता है फिर वापस फूटता है, रुकता है फूटता है, मतलब लगातार वो फंवारा जो है पानी नहीं छोड़ रहा। ह्यूज फ्रैगमेंट्स, उस पानी के बड़े बड़े टुकड़े वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, वॉल्टेड का मतलब गोल गोल हैं जैसे कि रिबाउंडिंग हेल, ओले जो होते हैं बर्फ के गोल गोल ओले उनकी तरह, वॉल्टेड का मतलब है गोल गोल। और चैफी ग्रेन बीनीथ द ट्रेशर प्लेन, इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अनाज को पीटा जाता है तो अनाज ऊपर उछलता है, वैसे ही यहाँ पर पानी उछल के गिर रहा है ऐसा लग रहा है। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सैक्रेड रिवर, इन दो लाइनों का मतलब यह है कि इन डांसिंग रॉक्स के बीच में से उस सैक्रेड रिवर का पानी, उस सैक्रेड रिवर का पानी एक मोमेंट के लिए फूट पड़ता है। इट फ्लंग अप का मतलब वो फूट पड़ता है एक मोमेंट के लिए, मोमेंटली। 5 miles meandering with a mazy motion, और ये पानी 5 मील तक ये पानी zigzag करता हुआ, चक्कर खाता हुआ चलता है, उस सैक्रेड रिवर का पानी। थ्रू वुड एंड डेल द सैक्रेड रिवर रैन, यानी कि घाटियों में से और जंगलों में से, वुड का मतलब जंगलों में से और डेल का मतलब घाटियों में से ये सैक्रेड रिवर बहती है। देन रीच द कैवन्स मेजरलेस टू मैन, और फिर वो उन गुफाओं में पहुंचती है वो नदी, कैवन्स का मतलब गुफाओं में पहुंचती है वो नदी जो मेजरलेस है इंसान के लिए, जिसको इंसान, जिस जो इंसान की पहुंच से दूर है। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन, और जाकर वो नदी जो है वो डूब जाती है एक लाइफलेस ओशन में आवाज़ करती हुई। ये ट्यूमल्ट का मतलब है आवाज़ करती हुई, बहुत आवाज़ हो रही है जब वो पानी जाकर के समुद्र में मिल रहा है तो। एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला खान हर्ड फ्रॉम फार अनसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइंग वॉर। अब इन दो लाइनों का मतलब ये है कि इसी ट्यूमल्ट के बीच में, इसी आवाज़ के बीच में कुबला खान आने वाली अपनी खानदानी लड़ाइयों की आवाज़ सुनता है। ये दोस्तों अनसेस्ट्रल का मतलब है बाप दादाओं की, मतलब जो कुबला खान के, जो कुबला खान के जो पूर्वज थे चंगेज़ खान वगैरह, उनकी आवाज़ें ये सुनता है। द शेडो ऑफ द डूम ऑफ प्लेजर, मतलब कि उसके महल की शेडो, डूम ऑफ प्लेजर की शेडो फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, लहरों के ऊपर बहती हुई दिखाई दे रही है, मतलब उसके महल की शेडो दिख रही है लहरों के ऊपर तैरती हुई। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, और वहाँ से सुनी जा सकती है फाउंटेन और केव्स की मिली जुली आवाज़ जो आ रही थी। तो उस वक्त जब कुबला खान वहाँ खड़ा था तो उस आवाज़ को सुना जा सकता था। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं इनका मतलब समझना
कि ये तो एकदम मिरेकल हो गया, एक करिश्मा हो गया। बहुत ही रेयर बात थी कि एक तरफ तो महल पर धूप पड़ रही है और वहीं पर उसके पास में केव्स ऑफ आइस है, बर्फ की गुफा है। ऐसा वैसे होता नहीं है, इसलिए इस बात को कहा है रेयर डिवाइस। अ डैम्सल विथ अ डल्समर इन अ विजन वंस आई सॉ। इन दो लाइनों का मतलब है कि एक बार मैंने सपने में देखा कि एक लड़की थी एक डल्समर के साथ में। डल्समर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, ये इस टाइप का कुछ होता है वो। तो एक लड़की थी, डैम्सल का मतलब लड़की थी, अपने डल्समर के साथ में मैंने सपने में देखा था। इट वॉज एन अबैसिनियन मेड, यानी कि वो लड़की अबैसिनियन थी, अबैसिनिया की थी। अबैसिनिया दोस्तों इथियोपिया का पुराना नाम है। एंड ऑन हर डल्समर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट अल्बोरा, और वो अपने डल्समर को बजा रही थी और गा रही थी माउंट अल्बोरा। कुड आई रिवाइव विथ इन मी, यहाँ पर पॉइट बोल रहे हैं कि काश मैं उसके सॉन्ग को याद कर सकता। कुड आई रिवाइव विथ इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, उसके सॉन्ग को, उसकी सिम्फनी को मैं याद कर सकता। टू सच ए डीप डिलाइट वुड विन मी, कि वो बहुत ही स्वीट डीप डिलाइट जिसने मुझे जीत लिया। दैट विथ म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, उसका जो म्यूजिक था वो लाउड था और लॉन्ग था। आई वुड बिल्ड अ डोम इन एयर, अगर मैं उसके सॉन्ग को याद कर सकता तो उस महल को मैं हवा में ही बना देता। दैट सनी डोम दोज केव्स ऑफ आइस, यानी कि वो महल जिस पर सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी और पास में केव्स ऑफ आइस भी थी, उस महल को मैं हवा में ही बना देता। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जो लोग इन सब के बारे में सुन रहे हैं वो देख भी सकते उस महल को वहाँ पर। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, यानी कि उस महल को देखकर सारे चिल्लाते कि बिवेयर बिवेयर। हिज फ्लैशिंग आइज एंड फ्लॉटिंग हेयर, यानी कि उसकी चमकती हुई आँखें और लहराते हुए बालों से सावधान बिवेयर। वीव्स अ सर्कल राउंड हिम ट्राइस, यानी कि उसके चारों तरफ तीन बार गोले बनाए जाएं। एंड क्लोज योर आइज विथ हॉली ड्रेड, और डर से अपनी आंखें बंद कर लो। क्लोज योर आइज विथ हॉली ड्रेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फैड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, उसको एक ठंडा शहद खिलाया गया है और वो पैराडाइज का मिल्क पीकर आया है। अब यहाँ पर एसटी कॉलरेज ने लास्ट की ये जो लाइनें बोली है ये क्लियर नहीं किया कि ये किसके लिए बोली हैं, लेकिन दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।